गुडल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम 5 मजेदार और जासूसी पहेलियां सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले हम यू डिक्शनरी ऐप के बारे में जान लेते हैं। इस ऐप में आप इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश और भी अदर लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करके देख सकते हो। अभी इसमें एक मैजिक फीचर का ऑप्शन भी आया है। सेटिंग में जाके मैजिक फीचर के ऑप्शन को ऑन करो। अब अगर कोई आपको इंग्लिश में मैसेज करता है तो आप उस पे मैजिक ट्रांसलेट छोड़ो और वो इसे ट्रांसलेट कर देगा, और अगर आप हिंदी में टाइप करते हो तो यू डिक्शनरी उसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देगा। क्यों, कमाल की ऐप है ना? तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के बाद आज ही डाउनलोड करिएगा। अभी पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। सूरजनगर नाम के एक शहर में सूरजमल नाम का एक राजा था। राजा की वजह से राज्य में खुशियां ही खुशियां थी, मगर राजा को बस एक ही दुख था कि राजा के कोई भी बच्चा नहीं था। वो एक ऐसे बच्चे को गोद लेना चाहता था जो सच में नेक और अच्छा हो। तो राजा सिपाहियों से कहता है, जाओ राज्य में से किन्हीं 4 समझदार बच्चों को मेरे पास लेकर आओ, उनमें से किसी एक को मैं गोद लूंगा। सिपाही फटाफट वहां से जाते हैं और कुछ ही देर में राजा के सामने 4 बच्चे लेके आते हैं। राजा उन बच्चों को अच्छे से देखता है और सभी को एक एक लकड़ी देता है और कहता है, तुम सभी के हाथ में जो लकड़ियां हैं वो जादुई लकड़ियां हैं और ये हर दिन 2 इंच बढ़ती है, लेकिन सिर्फ एक सच्चे लड़के के पास रहने से ये नहीं बढ़ेगी। तो जिसकी भी लकड़ी कल छोटी होगी मैं उसे गोद ले लूंगा। फिर सब बच्चे लकड़ी लेके अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन वो राजा के पास आते हैं। जब राजा उनकी लकड़ियां चेक करता है तो बाकी सब की लकड़ी से एक लड़के की लकड़ी बड़ी हो जाती है। राजा वो देख के खुश होता है और उस लड़के को जिसकी लकड़ी बड़ी हुई थी उसे अपना बेटा गोद ले लेता है। दोस्तों, उस लड़की की लकड़ी तो बड़ी हो गई थी, तो राजा ने उसे ही क्यों गोद लिया, बाकी में से किसी को क्यों नहीं लिया? क्या आप सोच के बता सकते हैं कि राजा ने ऐसा क्यों किया होगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। राजा ने सभी बच्चों को झूठ बोला था, वो कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। बाकी तीनों बच्चों ने राजा का बेटा बनने के लालच में अपनी लकड़ियों को 2 इंच काट दिया था, ये सोच के कि कल अगर वो बढ़ भी जाएगी तो भी लकड़ी छोटी रहेगी। पर सिर्फ इस लड़के ने लकड़ी को वैसे ही रहने दिया और सच्चाई के साथ राजा के पास आ गया, इसलिए राजा ने उसे ही गोद लिया। उस लड़के की सच्चाई के लिए वीडियो को 1 लाइक तो मिलना ही चाहिए, तो अब भी लाइक बटन दबाइए। चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। अभी आप इमोजी से इंडिया की सिटी का नाम बताइए। जैसे इस इमोजी से बनेगा नागपुर, नागपुर। चलिए फिर अभी इस इमोजी से सिटी का नाम बताइए और जल्दी से अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। क्या आपको ये समझ में आया? ये है वो जगह जहाँ शिप्स रखी जाती है, यानी पोर्ट, और ये है बंदर, तो बना पोरबंदर। क्या आपने इसका आंसर बताया? तो चलिए अभी इस इमोजी से इंडिया की सिटी का नाम बताइए और आंसर कमेंट करें। ये ग्रीन कलर का है यानी हरी, और ये गेट है यानी द्वार, तो बना हरिद्वार। क्या आपने इसका भी आंसर बताया? तो चलिए अभी इस इमोजी का आंसर बताइए और आंसर नीचे कमेंट कर दीजिए। ये है गाय यानी गौ, और ये है हाथी, तो बना गौहाटी। क्या आपने इसका भी आंसर बताया? चलिए एक लास्ट ट्राई,
अभी आप इमोजी से इस सिटी का नाम कमेंट करिए। यह है शेर की दहाड़ यानी रोर, और ये केला तो बना रोर केला। चलिए नेक्स्ट पहेली की ओर चलते हैं। एक प्रिंसिपल को तीन दूसरे स्कूल्स में मिठाई बांटना था। तीनों स्कूल के रास्ते में एक एक नदी है जिसे पार करते ही मिठाई के डब्बे डबल हो जाते हैं। तो प्रिंसिपल कुछ डब्बे लेके निकलता है और पहली नदी पार करता है तो डब्बे डबल हो जाते हैं। फिर कुछ डब्बे स्कूल में रखता है और आगे निकल जाता है। फिर से नदी पार की तो जितने डब्बे थे वो डबल हो गए, और जितने डब्बे उसने पहले स्कूल में दिए थे उतने ही दूसरे स्कूल में दिए और आगे गया। अब आखिरी नदी पार करते ही उसके डब्बे डबल हो गए और उतने ही डब्बे बचे जितने उसने पहले और दूसरे स्कूल में दिए थे, तो उसने बाकी सारे डब्बे इस स्कूल में दे दिए। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि आखिर प्रिंसिपल कितने डब्बे लेके निकला था और उसने एक एक स्कूल में कितने डब्बे दिए? चाहे तो इस पहेली को दोबारा से देखिए, सोचिए और अपना आंसर मुझे कमेंट में बताइए। प्रिंसिपल 60 डब्बे लेके चला था और उसने एक एक स्कूल में 8 डब्बे रखे। देखिए 7 डब्बे लेके नदी पार किया तो डब्बे डबल हो गए यानी 14 हो गए। फिर उसमें 8 पहली स्कूल में रखे तो बचे 6 डब्बे। फिर से नदी पार की तो हुए 12। फिर उसने 8 दूसरे स्कूल में दिए तो बच गए 4 डब्बे। अब आखिरी नदी पार की तो हो गए 8 जो उसने आखिरी स्कूल में दे दिए। कितनी इंटरेस्टिंग पहेली थी ना ये। चलिए अभी कुछ इजी मैथ्स पजल सॉल्व करते हैं। पहले बताइए 7 + 7 / 7 + 7 × 7 - 7 = कितना होगा? अच्छे से अपना मैथ्स का दिमाग लगाइए और आंसर मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपने इसका आंसर 56 सोचा तो आप गलत हैं। इसको हमें बोडमास रूल से सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें पहले हम डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले होगा 7 / 7 यानी 1, फिर होगा मल्टीप्लाई 7 × 7 यानी 49। तो ये इक्वेशन ऐसा हुआ 7 + 1 + 49 - 7 यानी = 50। क्या आपने भी इसे ऐसे ही सॉल्व किया? चलिए अभी इन पैटर्न्स को ध्यान से देखिए। आगे के इन दो पैटर्न को देख के आपको बताना है कि थर्ड ट्रायंगल के क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। एक बार इसे अच्छे से देखिए, सोचिए, सॉल्व करिए और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आंसर मुझे आप कमेंट में बताइए। क्या आपको इसका आंसर समझ आ गया था? देखिए पहले ट्रायंगल के इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3, फिर +2 तो बना 5, ऐसे ही 5 × 4 = 20, फिर +2 तो बन गया 22। तो लास्ट वाले ट्रायंगल में 5 × 3 होता है 15 और 21 लाने के लिए हमें चाहिए 6, तो यहाँ आएगा 6। तो क्या इस पहेली का भी आंसर दे दिया था आपने? चलिए अभी इस पैटर्न को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर भी आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ये थोड़ा इजी है तो जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। इसमें बस हमें पहले नंबर को डबल करना है, फिर सेकेंड नंबर से प्लस कर देना है तो ये थर्ड नंबर बन जाएगा।
2 × 2 + 4 बना 8, 7 × 2 + 14 बना 28, 5 × 2 + 10 तो बना 20, तो आंसर है 20। क्या आपने तीनों मैच पहले सॉल्व किए? चलिए अभी इसका आंसर बताइए। इस आदमी की पत्नी और बहन लायन और टाइगर के पिंजरे में फंस गई है, जिसमें वो लायन उस जू का सबसे ताकतवर जानवर है और वो टाइगर 2 महीने से भूखा है, जो उस लड़की को कच्चा चबा जाएगा। और उस आदमी के पास जो बंदूक है उसमें सिर्फ एक ही गोली है, तो वो किसी एक को ही बचा सकता है। अब उस आदमी को समझ नहीं आ रहा है कि उनमें से वो किसे बचाए। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में उस आदमी को क्या करना चाहिए? इन दोनों में से किसे बचाना चाहिए? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने कहा था कि टाइगर 2 महीने से भूखा है, यानी अब तो वो टाइगर मर चुका है, तो उस आदमी को अपनी एक गोली से अपनी पत्नी को बचाना चाहिए। आपने इसका क्या आंसर सोचा था? जरूर से मुझे कमेंट में बताएं और यू डिक्शनरी ऐप को अब भी डाउनलोड करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। और ऐसी पहेलियां यहाँ क्लिक करके देखें और मेरे दूसरे चैनल के फनी वीडियोस यहाँ पे क्लिक करके देखें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।